नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसे ही बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार, उनके कान में ये खबर आई कि लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव जो हैं वो आज रांची जा रहे हैं, वो आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत एक ट्वीट कर दिया। और एक ही ट्वीट नहीं, उन्होंने दो पार्ट में दो ट्वीट किया और कहा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो ट्वीट हम आपको दिखवा के पढ़ के भी सुना देते हैं। उन्होंने कहा, बामुलाहिजा होशियार, भ्रष्टाचार के सिप्रिमो से भ्रष्टाचार के राजकुमार करेंगे आज मुलाकात, बेजुबानों का चारा खा होटवार में कैद अपराधियों के महामंडलेश्वर अरबपति बेटे से होंगे रूबरू, सहयोगियों सावधान, अपने संपत्ति की सुरक्षा स्वयं करें, बाकियों के लिए सुशासन काफी है। यानी कि इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए, महाभ्रष्टाचारी जो महामंडलेश्वर है, जो रांची के रिम्स में अभी अपना इलाज करा रहा है लेकिन होटवार जेल में उसकी जगह है, उससे मिलने बिहार का दूसरा सबसे भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव आज मिलने जा रहा है और वो दोनों मिलकर जो है आपस में गुफ्तगू करेंगे कि आने वाली जो सरकार है उसका रूपरेखा क्या तैयार करें और फिर से भ्रष्टाचार किस सीमा तक शुरू किया जाए। तो ये नीरज कुमार बड़ी ही आग बबूला हो गए और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने दो ट्वीट किया और दूसरे ट्वीट में वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रूपी कोरोना वायरस है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, @LaluPrasadYadav लिख रहे हैं, भ्रष्टाचार रूपी कोरोना वायरस है, इन्होंने प्रदेश की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को पंगु कर रखा था, कानून रूपी डॉक्टर ने इन्हें पकड़ होटवार में बंद कर दिया ताकि इसका संक्रमण न फैले। ख्याल रहे, सुशासन के वैक्सीन का इजाद हो चुका है, ऐसे वैक्सीन का दर्द उन्हें भी पता है। तो नीरज कुमार ने दो दो ट्वीट करके काफी हमला कर दिया आज तेजस्वी यादव पर, भ्रष्टाचार का महामंडलेश्वर से लेके तेजस्वी से लेके पूरे खानदान को भ्रष्टाचारी बता दिया है और ये भी कह दिया है कि अब वो दिन नहीं चलेगा, अब वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि जो जिस उन्होंने भ्रष्टाचार की तुलना कोरोना वायरस से की है कि अब कोरोना वायरस के वैक्सीन का इजाद हो चुका है, हम उस वैक्सीन को देकर सुशासन की ही सत्ता संभाल के रखेंगे, अब कोरोना वायरस को आने यानी कि भ्रष्टाचार को आने नहीं देंगे। अब फिर देखते हैं कि नीरज कुमार के इस ट्वीट पर राजद के लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं और आपको प्रतिक्रियाएं हम सुनाएंगे, जैसे कि जो पोस्टर वार की प्रतिक्रियाएं सुनाएं, हमारे पास तुरंत प्रतिक्रियाएं आएंगी, हम तुरंत उस खबर को लेकर आप तक पहुंचेंगे। तब तक बने रहिए आप नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।